ये वीरानापन, उसमें भी शिक्षा विभाग के बजट के दिन में। आखिर महोदय, अगर संवेदनशीलता है तो कोई किसी दूसरे विभाग से विकास के अनेक आयाम होते हैं, क्योंकि हम तो वो जब हमारी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, हम तो महोदय उसमें रास्ता खोजते हैं, हमें तो आगे बढ़ने की सलाहियत मिलती है। वो जब हमारी कमियां निकालते हैं तो महोदय हमको उसमें अपने को सुधार करने का अवसर दिखता है कि जिसने भी शिक्षा से दूरी बनाई है वो कभी सफल नहीं हो सका है आगे। हमने उस क्रम पत्रक में देखा कि इस सदन के दो तीन वरीय माननीय सदस्यों के द्वारा उसमें कटौती प्रस्ताव पेश करने की सूचना आपको दी गई थी और वो सूचना आपने हम लोगों को दी थी। सच पूछते हैं अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी उम्मीद से इस सदन में आया था कि इतने वरिष्ठ सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव की सूचना दी है, आखिर उनकी रुचि है शिक्षा में, तभी कटौती प्रस्ताव की सूचना दी है। और कटौती प्रस्ताव की सूचना देने का मकसद भी यही होता है कि शिक्षा विभाग के नीतियों पर चर्चा हो, और विशेष रूप से जो माननीय सदस्यों ने हमारे अनुपूरक मांग या शिक्षा विभाग की बजट या शिक्षा विभाग के नीतियों कार्यक्रमों को देखा होगा, जाना होगा, उसमें उनको कुछ कमियां नजर आई होंगी, कुछ उनको कमी लग रही होगी, कुछ दिक्कत महसूस हो रही होगी, चाहे नीतियों में हो या उसके क्रियान्वयन में हो, इसीलिए उन्होंने कटौती प्रस्ताव दिया है। तो मैं बड़ी उम्मीद लेके आया था महोदय कि जब वो हमारी कमियां गिनाएंगे, जब वो हमसे क्या छूट जा रहा है, हमें कहाँ अपने को सुधारना है, ये हम समझने की उम्मीद और आस लगाए इस सदन में आए थे। लेकिन महोदय, यहाँ का तो नज़ारा ही कुछ और है, आपने भी देखा है, सुबह में आपने कहा भी, आपने आसन की तरफ से उनसे अनुरोध भी किया, और आपने जो अनुरोध किया हमने सरकार की तरफ से, हमने भी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी, सभी अपने साथी विधायकों से अनुरोध किया कि वो सदन में आए, चर्चा करें, क्योंकि विपक्ष के जब माननीय सदस्य नहीं होते हैं तो न सिर्फ सदन अधूरा लगता है बल्कि सरकार भी एक तरह से असहज महसूस करती है, क्योंकि हम तो वो जब हमारी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, हम तो महोदय उसमें रास्ता खोजते हैं, हमें तो आगे बढ़ने की सलाहियत मिलती है। वो जब हमारी कमियां निकालते हैं तो महोदय हमको उसमें अपने को सुधार करने का अवसर दिखता है, वो हम उनको चुनौती के रूप में उनके सुझावों को लेके उसको अमलीजामा पहनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन महोदय, यहाँ आने पर जो दृश्य है आप ही देखिए, ये सूनापन, ये वीरानापन, उसमें भी शिक्षा विभाग के बजट के दिन में। आखिर महोदय, अगर संवेदनशीलता है तो कोई किसी दूसरे विभाग से विकास के अनेक आयाम होते हैं, सड़क, बिजली, पानी, कई तरह के विकासात्मक कार्य होते हैं, किसी से आप दूरी भले बना लीजिए, लेकिन आज हमारे साथी सदस्यों ने महोदय जो शिक्षा से दूरी बनाई है, जिसका जिक्र हमारे शाहनवाज जी भी कर रहे थे कि आखिर शिक्षा से कोई दूरी क्यों बनाएगा, आखिर किसी चीज से आप दूरी बना लीजिए, आप निकल सकते हैं। लेकिन महोदय, यह स्थापित बात है हर दृष्टिकोण से कि जिसने भी शिक्षा से दूरी बनाई है वो कभी सफल नहीं हो सका है आगे, ये सबके सामने प्रमाणित बात है।